मालिक ने इस्माइल खान को क्यों मारा? हाँ यार, ये मालिक इस्माइल खान को क्यों डांट रहा है? चलो जाकर पूछते हैं। अरे मालिक ने इस्माइल खान को क्यों मारा? चलो देखता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गरीब आदमी हूँ या मजदूर समझकर मुझे मारा? जालिम इंसान हो, आपकी बस का नहीं हूँ, अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा कुछ ऐसे गरीब को मारकर। अरे तुझे पिछली बार भी मैंने बताया था कि आपने ये बोतल नहीं पीनी, मेरे अख्तियार में होता तो तेरी जान ले जाता आज। पिछली बार भी मैंने तुझे समझाया था कि ये बोतल तूने नहीं पीनी, फिर से वही हरकत की तूने। एक छोटी सी बोतल के लिए आपने मुझे लात मार दी, जिसके लिए मैंने सारा दिन मजदूरी की, एक बोतल के पैसे कमाए और मुझे मारा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा तूने ये बोतल पीना मैं तेरी जान ले लूंगा, ये तुझे बता रहा हूँ मैं। आइंदा तेरी जान ले लूंगा, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। मालिक आपको क्यों डांट रहा था? पता नहीं बजे मुझे बजा नहीं बता के गया, मुझे लात मारी, मेरे सारे बोतल जाया करवा दी। मैं गरीब आदमी हूँ, सारा दिन मजदूरी करता हूँ, एक बोतल के लिए पैसे मैंने कमाए, उसने मेरी जाया बोतल कर दी। अच्छा ये पैसे आपने, आपके थे पैसे? हाँ मेरे हलाल के पैसे थे, मैंने अपनी मजदूरी की और पैसे मैंने कमाए थे। अच्छा पैसे आपके थे? हाँ यार ये क्या, ये फिर हमारे साथ भी ऐसे ज्यादती करेगा। चलो उससे पूछते हैं क्यों मारा इसको। चलो चलो यार उससे पूछते हैं। चलो पता नहीं किस माशरे में कैसे इंसान रहते हैं यार, 20 बार भी इन लोगों को समझाया पता नहीं एक बात नहीं समझते ये लोग। लातू से ये लोग नहीं मानते, लातू से जरूर मानेंगे। अरे इस्माइल भाई, अगर आज हमने मालिक को ना रोका तो हमारे एक एक मजदूर को मारेगा बेवजह। हाँ हाँ चलो चलो। अरे खैरे क्या माजरा है, सब इकट्ठे हो गए मजदूर यहाँ पर। खैरे और तू फिर से आ गया। मालिक आपने इस्माइल खान को क्यों मारा था, आखिर इसकी वजह क्या थी, इसका कसूर क्या था? अरे शुक्र पड़ो खाली ये वहाँ मौजूद था, अगर आप वहाँ मौजूद होते थे आपके साथ भी ये हाल होता। इसको 2-3 बार मैंने समझाया लेकिन ये उस हरकत से बाज नहीं आया। इसको मैंने कहा आपने वही बोतल नहीं पीनी, कोक की बोतल, इसने 2-3 बार बोतल वही पी, इसलिए मैंने इसके साथ ज्यादती की। शुक्र पड़ो आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपके साथ भी मैं ऐसा सलूक करता। इस कंपनी पे बायकॉट होना चाहिए, ये जो कंपनी है ना ये इसराइल को फायदा पहुंचा रही है। हम इतना तो कर सकते हैं, इस बोतल पे बायकॉट तो लगा सकते हैं, हमारे फलस्तीनी बच्चे 1 मिनट में 5 बच्चे शहीद हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने इसको पहले बताना चाहिए था ना। अरे इसको मैंने 2 बार समझाया, 3 बार समझाया कि ये बोतल आपने नहीं पीनी, नहीं पीनी। अरे मजदूर भाई क्या हुआ, आपने आईंदा ये बोतल नहीं पीनी? अरे भाई मैं क्यों ना पीऊँ, मेरे अपने हलाल के पैसे हैं, मेरे मजदूरी के पैसे हैं, चाहे मैं बोतल पीऊँ चाहे मैं खाना पीऊँ, आपको क्या इससे? यार आपकी बात ठीक है, आपके पैसे हैं, आपने बोतल पीनी है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये जो आप बोतल पी रहे हैं ये किसी और को फायदा दे रहे हैं, हमें फायदा नहीं दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है मैं नहीं पीऊंगा, आज मुझे पीने दो। चलो ठीक है मैं आज आपको पीने दे रहा हूँ, आइंदा आपने नहीं पीना ये आपको बता दूँ, अगर आपने पी तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। लेकिन फिर से वही हरकत कर रहा था। मालिक आपकी बात सही है, इस्माइल खान से गलती हुई है, हमें इस प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। इन जाहिल मजदूरों को क्या पता, ये तो खाली बोतल खरीद कर पी लेते हैं, इनको क्या पता कि हमारे दुश्मन को फायदा पहुंच रहा है, हमारे फलस्तीन भाई कितने जुल्म उनके साथ हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको हमारे दुश्मनों को ये फायदा हो रहा है आप जो ये बोतल पी रहे हैं। आइंदा हमें इससे बायकॉट करना चाहिए, इस बोतल को पीना भी नहीं चाहिए। आप सब मेरे साथ वादा करो कि हम आइंदा ये बोतल नहीं पियेंगे और इस बोतल को बायकॉट करेंगे, इस प्रोडक्ट को खत्म करेंगे, आप सब मेरे साथ वादा करो। शुक्रिया भाई आपने हमारी आंखें खोल दी, हम जैसे गरीब और अनपढ़ लोग इस बात को हम नहीं समझ पाए कि हम किस कंट्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब वादा करते हैं हम ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको तो खाली पीने का पता है, कुछ अनपढ़ आप अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि इस पर क्या लिखा है और किस कंपनी का है। आप सब मेरे साथ वादा करो आपने इस प्रोडक्ट को खत्म करना है। हम सब वादा करते हैं। आपकी वजह से इन तीनों को भी समझ आ गई है कि हम अपने दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं, आइंदा हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे। आप सब वादा करो हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे, इस प्रोडक्ट को खत्म करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह दोबारा नहीं पिएंगे बोतल, इंशाल्लाह आपका सब वादा है। ठीक है आप जा सकते हो, अपने काम करो जाओ। शुक्रिया मालिक, आइंदा साथ किसी के साथ भी मैं ज्यादती नहीं करूंगा, अपना काम करो जाओ।